गलत मेरे को स्वाद आ पता है, गया। मैं इस टेंजेंट सोच रहा था, मेरे को इस टेंजेंट पे था कि हाँ बहन सोच रहा था, ये बहन का लोड़ा ये दो हरकतें कर सकता है, हाँ कैसी थी? रोज चलानी पड़ेगी ठीक है, गाड़ी। एक हाँ रोटी खिलाफ जा सकती है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम केस है, ये बहन जो सुसाइड। कैरी मिनाटी रोस्टेड आमिर सिद्दीकी। आपने इस सब लोग ने ये वीडियो देखा, मैंने भी ये वीडियो देखा, मैंने बहुत सपोर्टिंगली लिया। बट क्या किसी को पता है कैरी मिनाटी ने ये रोस्ट क्यों किया? क्यों मैंने वो IGTV वीडियो बनाया था? क्यों मैंने वो IGTV वीडियो डिलीट किया? क्यों मैंने वो IGTV वीडियो के अंदर बड़े बड़े रोस्टर्स लोग को टैग किया, मेंशन किया? और वीडियो चालू करने के पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ गाइज। ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो मसला चल रहा है, मैं इसको बढ़ाने के लिए नहीं, इसको ख़त्म करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और सेकेंड चीज़, मेरी जो पुरानी IGTV वीडियो में मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, तो वो गलतियों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को सारे यूट्यूबर्स को नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को वो लोगों को डायरेक्टली बोलना चाहिए था जिनके वजह से ये मसले स्टार्ट हुए थे। तो ये मसला कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि कुछ रोस्टर्स ने कुछ लड़कियों को बहुत गंदी तरीके से रोस्ट किया, उनको गालियाँ दी और उनको बहुत बुरा भला बोला। मैं गालियाँ बोलूँगा नहीं, आप लोग प्लीज़ देखिए। हमारे पीछे ना किराएदार नहीं रहा, उसकी ना खूब गंदी शक्ल, बहुत गंदी शक्ल किया वो। उसका नाम पता क्या? रानी, रानी, रानी। मैंने किसी लड़की को बॉडी शेम करा, उसको डंपर बोला। तो भाई देखो यार, डंपर अच्छी चीज होती है, ऐसा नहीं कि डंपर कुछ गलत है। तो ऐसी कुछ रोस्टिंग वीडियोस के बाद वो लड़कियों को लिटरली नेगेटिव DMs, नेगेटिव कमेंट्स और रेप थ्रेट्स आना चालू हो गए। जिसके वजह से वो लड़की लोग मेंटली हैरेस हो रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे। तो ऐसे टाइम पे मैंने वो IGTV वीडियो बनाया उनके सपोर्ट में। तो जब मैंने ये IGTV वीडियो बनाया तो लोग मेरे को गाली देने लगे। तो मतलब अगर कल को किसी की बहन, बेटी या गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पे ट्रोल या रोस्ट किया जाएगा, और जब ये आमिर सिद्दीकी अगर स्टैंड लेता या कोई लड़का स्टैंड लेगा, तो क्या आप उसको छक्का बोलोगे? ये क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ। और हाँ, दूसरों को ब्लेम करने के पहले मेरी भी IGTV वीडियो में मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, जिसके लिए मैंने सॉरी बोला, मेरे को भी गालियाँ पड़ी, मैंने वो सारी चीज़ें पॉजिटिवली लिया। अब जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने मेरे IGTV वीडियो में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लोग को, कैरी मिनाटी को क्यों टैग और मेंशन किया था, तो मैंने इसके लिए टैग मेंशन नहीं किया था कि मैं आपको वो एड्रेस करके गलत बोलना चाहता हूँ। बट कुछ टाइम पहले MTV डिजिटल अवार्ड शो हुआ था, जिसके अंदर कैरी मिनाटी वॉज अवार्डेड फॉर द बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर सोशल कॉज। और वो टाइम पे मैं आपके बाजू वाले ही टेबल पे बैठा था लकीली, और आपको वो अवार्ड मिला था सोशल कॉज के लिए। तो मेरा ये मोटिव था कि जब जो इंसान को बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर सोशल कॉज का अवार्ड मिला है, तो वो अपने रोस्टिंग कम्युनिटी के छोटे वो जो यूज़र ने रोस्ट किया, यूट्यूबर ने, उसको समझाता, उसको बोलता, ठीक है मेरे को रोस्ट किया, मेरी गलतियों के लिए एक्सेप्टेड, बट आपने क्या वो बंदे के लिए कुछ बोला जिसने लड़कियों को इतना बुरा भला बोला या गालियाँ दी? इसके लिए मैंने टैग मेंशन किया था, ये मेरा मोटिव था। और थर्ड चीज़, मैंने मेरी IGTV वीडियो डिलीट क्यों की? डिलीट करने का मेन रीज़न ये था कि मेरे वजह से बहुत हेट स्प्रेड होने लगा, मेरे वजह से मेरे फेलो क्रिएटर्स को गालियाँ पड़ने लगी, नेगेटिव DMs और मैसेजेस आने लगे, जिसके वजह से ये चीज़ें बढ़ते जा रही थी और रोस्ट वीडियोस बनने लगे और प्रॉब्लम्स और बढ़ते गया। इसके लिए मैंने वो IGTV वीडियो डिलीट कर दी। जो रोस्टर्स रोस्टिंग के नाम पे गालियाँ दे रहे, उसको रोस्टिंग नहीं, साइबर बुलिंग बोलते हैं। तो गाइज, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ थोड़ा भी सही बोला है, तो मैं एक हैशटैग चालू कर रहा हूँ, जो है #AmirAgainstCyberBullying।
तो मतलब आगे से अगर कोई भी किसी को रोस्ट करता है या नेगेटिविटी स्प्रेड करता है तो हमको और आपको मिलके साथ में सब खत्म करना है। और हाँ, कुछ लोग जो बिना सोचे समझे किसी को छक्का या मिठा बोल देते। इनका भी एक कोलैब सॉन्ग आया था 3-4 दिन पहले जिसमें 7-8 छकैत थे, इसने भी उस गाने को स्वाइप अप स्टोरी दी। टीम छक्का 7 ने भी उस गाने को स्वाइप अप स्टोरी दी। इससे ज्यादा व्यू और लाइक तो जब मैं सोलो वीडियो बनाता हूँ ना, कभी मैं किसी छक्के के साथ कोलैब नहीं करता। सामने वाले को तो हर्ट तो होता ही होता है, लेकिन जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको आप हर्ट कर रहे हो, ये कितनी गलत बात है। तो प्लीज गाइज ये भी बंद कर दो एंड स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग देम एज वेल, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी बुरा लगता है, तुम इनडायरेक्टली उनको भी टॉन्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, और प्लीज ये नेगेटिविटी खत्म करो। लव यू गाइज।